देखो देखने में। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। गाइस देखो मेरी खीरा आलू बेस करके बना के खाती हूँ क्या, मतलब जो भी आप लोग बाहर से देख रहे हो, मैं उन लोगों को पूछ रही हूँ कि आप लोग भी ऐसे बना के ऐसे करके बना के खाते हो क्या, बताना मुझे जरूर। हे गाइस वेलकम टू माय किचन। तो अभी मैं रात की खाना पकाने जा रही हूँ, ठीक है, जो कि है ये, इसको क्या बोलती है हिंदी में मुझे कमेंट करके बताओ। कौन ही करेगा कमेंट, वीडियो देखते नहीं हो आप लोग। इसको मैं अभी बनाऊंगी और भरता एक बनाऊंगी। भरता तो रहना ही चाहिए, मैं जब भी खाना खाती हूँ भरता तो भरता किसी प्रकार की भरता तो रहना ही चाहिए। मेरी ये बॉल हो रही है, हल्दी डाल रही हूँ कलर के लिए, कलर अनुजाई डालना है। ओ, बहुत टेस्टी बनेगा। तो मेरी सब्जी पक चुकी है, देखो देखने में कितना टेस्टी लग रही है ना। ओ, अभी उसकी मैं भट्टा बनाऊंगी। भट्टा इसको हम बोलते हैं बाटीमा, जो घर पे ही बनाया जाता है। चलो तो मेरी तो सब पक चुकी है, तो अभी मैं खाना खाऊंगी। ये भट्टा देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, और ये अंडे और ये अकरान, चलो खाते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, अभी टाइम हो रही है 10 और मेरे को भूख लग रही है। कल रात की भरता है और सब्जी भी है, सब्जी बनाया हुआ भी है, फिर भी मैं अभी बनाऊंगी, अभी बना के खाऊंगी आलू फ्राई बा सोयाबीन फ्राई। चलो इस दोनों में से क्या बनाऊंगी मैं, चलो देखते हैं, या दोनों ही मिक्स करके बना दूंगी, फ्राई कर दूंगी। चलो मेरे किचन पर आप लोगों को फिर से लेकर चलो। तो मैं मेरे किचन पर आके बैठ गई हूँ और मैं देख रही हूँ कि आलू बनाओ या सोयाबीन। तो लास्ट में सोयाबीन को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, क्योंकि मुझे सोयाबीन फ्राई बहुत बहुत ही पसंद थे। आप लोगों को किस किस को सोयाबीन फ्राई पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मैं ये मेरी ताकत, इसमें सारे ताकत लगा दी सोयाबीन पैकेट को खोलने में, आप लोग खुद देख ही सकती हो। अभी मैं डालूंगी बाटी पर और उसको डाल के भिगो के रखूंगी। और गाइस आप लोग इधर देख ही सकती हो मैं किस सामान से मैं पानी डाल रही हूँ, मतलब नॉर्मल लोग तो ऐसे ही ग्लास से डालते हैं, मैं देखो किस सामान से मैं डाल रही हूँ। और अभी मैं कल रात की जो मेरी सब्जियाँ पकाई है मैंने, वो अभी थोड़ा सा गर्म करूँगी, क्योंकि ठंड की मौसम है, तो ठंड में तो करीबी ठंड हो गई है मेरी सब्जी भी, तो अभी इसको थोड़ा सा गर्म करके खाऊंगी। देखो गाइस मेरी हेयर, जब मैं बन के सोई थी ना, तो अभी मैंने खुला छोड़ दिया है, तो देखो कैसे कर्ली मस्त 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 वाला बना है। तो अभी मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी और मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तो मैं इधर वीडियो बनाते बनाते मैं उसकी आवाज़ सुनी, तो इधर दौड़ के चले आ गई उससे उसके साथ खेलने के लिए। तो वो तो मेरे साथ खेलती नहीं है, चिल्लाती रहती है, उसकी सामान को हाथ लगाने भी नहीं देती, इतना शैतान है ये। तो गाइस मुझे लग रहे थे भूख और मेरे को पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा था। मैं सोच
पीती तो हूँ मैं, और पिज्जा नहीं खाऊंगी, सिर्फ मंथ या 2 महीने में एक दो बार खाऊंगी, पर नहीं नहीं खाना ही है मुझे पिज्जा। तो ये देखो मेरी, मैंने पिज्जा ऑर्डर भी कर दिया और आ भी चुका है मेरी पिज्जा। तो पिज्जा की चेहरा कुछ ऐसा है सिंपल वाला, क्योंकि सिंपल वाला ही मंगाना पड़ा, हाथ में थोड़ा सा रोकड़ा कम है, तो इसलिए बड़ा वाला एफर्ट नहीं कर पाया। तो दोस्तों मैं अभी निकल गई हूँ वो डांस क्लास के लिए। मैं सोच तो रही थी कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, फिर टाइम है डांस क्लास के लिए, टाइम है, तो फिर मैं आ गई क्लास पर। और मैं घर से पानी नहीं लाया था, तो अभी इधर पानी खरीद के मैं पी रही हूँ। अभी बच्चे लोगों की क्लास चल रहा है क्योंकि प्रोग्राम है पास में। ये देखिए मुझे, तो इधर थोड़ा सा ठुमका लगा लेने के बाद मैं देख रही हूँ अपनी खुद की थोबड़ा और मेरी हेयर, जो कि मैंने खुद स्टाइल करा है। और आप लोग बताओ कि कैसा बना मेरी हेयर। अभी फिर से करूँगी मैं, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी फिर से जो कोरियो बनाया है अब वो प्रैक्टिस करूँगी। मेरी हो चुकी है बस खत्म, तो अभी जा रही हूँ मैं घर पर, मिलती हूँ बाद में, नहीं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस।